पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान या इंडिया? कौन सी टीम ज्यादा वीक है, पाकिस्तान या इंडिया? किसके पास स्ट्रांग बैटिंग अटैक है, पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास? किसके पास स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान या इंडिया के पास? किस टीम की कौन सी वीकनेसेस हैं? तो दोस्तों इन सब पे आज बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के एनालिसिस पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो पहले पहले आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वीकनेस पे, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वीकनेस क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर सबसे मेजर वीकनेस की बात करें तो वो है स्पिन बॉलिंग अटैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं है। लोग बैटिंग के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान के पास बैटिंग है लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं है। अगर फास्ट बॉलर में देखा जाए, शाहीन अफरीदी हमारा आउट ऑफ फॉर्म है, 130 पे बॉलिंग कर रहा है। हारिस रऊफ और हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की लेवल की है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत कमज़ोर है इस कम्पेयर टू इंडिया। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की वीकनेस की बात करें तो कोई खास वीकनेस नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम की। बैटिंग बेस्ट है, बॉलिंग बेस्ट है, फील्डिंग बेस्ट है। एक माइनर वीकनेस हम कह सकते हैं उसको, वो ये है कि होम क्राउड के सामने खेलना। आपको ये किस तरह, ये इस तरह अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीत जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर हार गई ना तब फिर बहुत ज़्यादा शर्म होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अपने ही मुल्क में हारना। ये एक वीकनेस होगी, थोड़ा सा उस पर प्रेशर होगा क्राउड का इंडियन क्रिकेट टीम पर। अब उसके बाद आते हैं कि कौन सी टीम किस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो वो है बॉलिंग अटैक। पाकिस्तान के पास एक तगड़ी बॉलिंग अटैक है, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है इस कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया की कौन सी चीज़ स्ट्रांग होगी, वो है बैटिंग। इंडिया के पास क्या कमाल की बैटिंग है, मतलब शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े बड़े नाम है, KL राहुल। इंडिया की बात करें तो वो है बैटिंग अटैक।